हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 8, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने इससे पहले डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। तो इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154, जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल कितने गिवन है 154 मीटर। आफ्टर दैट इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, जो इसकी लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है, वो ट्वाइस भी है और 2 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से। तो हमें ब्रेथ तो पता ही नहीं, तो हम ब्रेथ को क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल, हम इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स मीटर। ब्रेथ को हमने क्या अज्यूम कर लिया, एक्स मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अटेंड करते हैं, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज क्या होगी, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, जो हमारे पास ब्रेथ की, एक तो ब्रेथ का तो ट्वाइस, तो ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे 2x, और साथ में 2 मीटर मोर देन भी है, इट मीन्स प्लस 2 भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अटेंड करना है, जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ से 2 मीटर ट्वाइस है, तो 2x कर दिया, और साथ में मोर देन 2 भी है, तो प्लस 2 कर दिया मीटर। अब जो गिवन होता है उसी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल कितना गिवन है 154, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 एल प्लस डी, इट मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो जो गिवन है उसी को हम राइट करते हैं, फिर अगेन द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इतना गिवन है 154। अब जो गिवन है उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, रेक्टेंगल स्विमिंग पूल का फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस D, इट मीन्स 2 लेंथ प्लस ब्रेथ यूज कर दिया, और ये किसके इक्वल है 154। अब हमारे पास लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन, तो इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे इसके अंदर, लेकिन पुट द वैल्यूज टू ब्रैकेट लेंथ में 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ, वैल्यू ऑफ ब्रेथ x, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये क्वेश्चन बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये मल्टीप्लाई है ब्रैकेट की, और मल्टीप्लाई वाली चीज राइट हैंड साइड में जाने पर किस में पहुंच जाएगी, डिवाइड। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 2x प्लस x तो हो गया 3x और प्लस 154, ये मल्टीप्लाई वाले 2 इसमें आ गया डिवाइड, 154 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 × 2 2 × 7 = 14 एंड अगेन 14, 2 × 7 = 14 77। तो हम इसको यहाँ राइट करते हैं, 3x प्लस 2 इक्वल टू 77, देन प्लस के 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, अब इक्वेशन सोल्व करना हमें आता ही, प्लस के 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, 77 माइनस 2।
3x इक्वल टू 77 में से 2 माइनस करेंगे 75। x का मल्टीप्लाई में 3 है, RHS में पहुंचने पर ये डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 75/3। अब 75 में 3 का डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 5 15 एंड x इक्वल टू 25। अब x की वैल्यू 25 है। अब जो हमने अज्यूम किया था उसी में अगेन पुट कर लें, यहाँ पर करते हैं, जो हमने अज्यूम किया था उसी में अगेन पुट कर लें। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज, सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल is equal to value of x 25 meter. तो ब्रेथ तो हमारे पास क्या आ गया 25 मीटर, और लेंथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल is 2x plus 2 में वैल्यू पुट करेंगे x की, 2x plus 2 पुट कर दो वैल्यू 25, 2 multiply 25 plus 2, 25 को जब 50, 50 plus 2 52 meter, तो यही हमें फाइंड करना था ब्रेथ एंड लेंथ। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं इसको सॉल्यूशन। कहने का मतलब दो नंबरों का सम 95 है, एक नंबर दूसरे से कितना ज्यादा है 15। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट नंबर अज्यूम करेंगे, तो एक्स फिर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा उसका 15 ज्यादा है, x प्लस 15। तो करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, फर्स्ट नंबर हमने क्या अज्यूम किया x, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, जब आपने एक नंबर x अज्यूम किया तो सेकेंड नंबर क्या होगा इससे 15 एक्सीड्स, इट मीन्स ज्यादा। Then the second number is x से 15 ज्यादा करते x plus 15। आगे दो नंबर, फर्स्ट नंबर x, दूसरा नंबर इससे 15 ज्यादा, x से x plus 15। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दोनों नंबर हमारे पास है फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, दोनों का सम कर लेंगे और किसके इक्वल कर देंगे 95। तो दोनों का सम कर देंगे, फर्स्ट नंबर इज x प्लस सेकेंड नंबर x प्लस 15, और इसका सम किसके इक्वल 95। अब ये क्वेश्चन बन गई, इसको सॉल्व करना में आता ही x प्लस x 2x प्लस के 15 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, माइनस का हो जाएगा 95 माइनस 15, 95 में से 15 माइनस करिए 80। अब जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो 80 की किस में आ जाएगी, डिवाइड में, x इक्वल टू 80/2, 2 1 2, 2 4 8 एंड 0 0, इट मीन्स x इक्वल टू 40। तो वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई x की 40, और हमने क्या अज्यूम किया x फर्स्ट नंबर, हेंस द फर्स्ट नंबर इज 40, एंड द सेकेंड नंबर इज, एंड द सेकेंड नंबर इज x प्लस 15, इट मीन्स 40 प्लस 15।
55. That is answer.